अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकाह जैसी सुन्नत की अदायगी के बाद बस मौलाना साहब के जाने का इंतज़ार होता है कि किसी तरह मौलाना साहब गायब हों, और फिर घर के बड़े बूढ़े, जवान नौजवान, ख़वातीन, मर्द, बच्चे सभी नाफरमानियों पर लग जाते हैं और म्यूज़िक के नशे में धुत हो जाते हैं। तो फिर नतायज कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि कैमरामैन वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस की रिकॉर्डिंग की कोशिश की जाती है जिनसे वो बवक्त ज़रूरत फ़ायदे भी उठाएं, सोशल मीडिया ऐप्स पे भी उन्हें डालें और उनके लिए आसानी हो के उधर से भी पैसे कमाएं और इधर से भी। और इस मामले में घर वाले ख़्वाब गफलत में सोए रहते हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं होती, क्योंकि उनके यहाँ वीडियोस यादगार के तौर पर बनाना सबसे अहम होता है। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि कैमरामैन इस वीडियो से किसी की इज्जत भी ख़राब कर सकता है। खैर, यहाँ पर भी यही कुछ देखने को मिला। ये जो दुल्हा साहब हैं, ये कहीं और ही देखने में मशगूल थे, गौर कहीं और ही किया जा रहा था। यूँ लग रहा था कि बेडरूम तक जाने की अल्लाह पाक ने इन्हें सब्र की तौफीक नहीं दी, इस वजह से बहुत कुछ ये यहीं पे चाहते थे कि या तो देख लें या कर लें। तो बस ऐसे ही अपनी इज्जतें भी नीलाम की जाती हैं और अपनी नस्लों की बर्बादी के सामान भी किए जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि उस शख्स का क्या हाल होगा जो एक नई ज़िंदगी की इब्तदा ही अल्लाह की नाफरमानी से करता है। उसकी ज़िंदगी में बरकतें कैसे होंगी, उसकी औलाद कैसे नेक होगी, उसके आने वाले दौर को शानदार कैसे कहा जा सकेगा। आज की इस वीडियो पर आप अपनी राय दें, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में मेरे लिंक भी प्रेस कर दीजिए।